किया है, शिवाय मीटिंग के कभी काम नहीं हुआ है, ऐसे मीटिंग करनी पड़ती थी, बराबर ना। लेकिन ऑस्मोस एक ऐसा कंपनी होगा जिसका अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुआ था, जो लाइव मीटिंग हो सकता ऐसा बोलो, और विदाउट एनी मीटिंग ओनली जूम मीटिंग पे हमने जो करिश्मा कर दिखाया है आप सब लोग जानते हो। सो आज हम सब लोग लाइव आ चुके हैं क्योंकि वापस से माहौल खुल चुका है, परमिशन मिल गई है और आज आने का कारण भी बन गया कुछ भी, तो अभी आने वाले कुछ क्षणों में आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड माय सेल्फ प्रदीप शेवाड़े, 12 मार्च की जब शुरुआत की थी तो एक 10-12 दिन ही मौका मिला लोगों से डिस्कस करने का सामने सामने, उसके बाद तो पूरा विलन हो गए सब लोग बिकॉज ऑफ कोरोना। और मैं भी सच में शुक्रिया अदा करता हूँ कोरोना का, अगर कहीं मिल गया तो उसको फोटो निकल के उसको बाहर डालने का इच्छा करता है हमने, क्योंकि उसकी वजह से आज हम सब लोग अपने अपने घर में रह कर भी एक अच्छा खासा बिजनेस बना पाए। शुरुआत जब करी थी शुरुआत में काफी दिक्कत आई, काफी दिक्कत है कैसे समझाया जाए, कैसे समझे, कैसे प्लान एक्सप्लेन करें, और जो प्लान एक्सप्लेन कर रहे थे तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारे हमारे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे मौजूद हो गए जिन्होंने अरे भाई क्या है कि 2-2 रुपए जमा करने वाला काम लेके आया, सब बोल के रुक गए, सच में काम नहीं किया था। लेकिन जब रिजल्ट आने लगे, दिखने लगा, और लोगों के झलकने लगे, तब एक माहौल खड़ा होना शुरू हो गया, लोग आगे जुड़ने लगे और ऑटोमेटिकली आगे काम बढ़ने लगा, और इतना काम बढ़ने लगा दोस्तों आज रिजल्ट आपके सामने है। सब लोग चार मीटिंग्स, दिन में की चार मीटिंग्स जो शुरू हुई थी, इसका इतना फायदा होगा लोगों को कि कुछ नहीं, केवल मीटिंग में इंट्रोड्यूस करके लोगों को बताया जाता था और खाली क्लोजिंग लिया जाता था, ऐसी हुआ ना शुरुआत में, ऐसे ही हुआ ना। लेकिन अभी क्या है ना, मीटिंग भी लोग अटेंड नहीं करते, खाली माहौल बन गया है और माहौल के ऊपर काम हो रहा है, ये सब हो। लेकिन अभी जरूरत है दोस्तों लोगों तक सही में पहुंचने की, एक सही सही मैसेज जाने की, लोगों तक एक प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि अभी खाली लोग माहौल में जुड़ रहे हैं, कंपनी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, तो उसके लिए कंपनी ने कुछ वेपन अपना बोल सकते हैं उसको टेक्निकली लोगों तक पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म पे अपने कुछ एप्लीकेशन लेके आए हम लोग, जो लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। लेकिन उसमें भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, कितने लोगों तक एप्लीकेशन पहुंचा पता है आपको, अगर आप आंकड़े देखेंगे आप तो आप खुद चले जाएंगे, 8 लाख प्लस हम लोग हो चुके हैं, लेकिन जितने एप्लीकेशन लॉग होना चाहिए उतने हुए नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जितना काम हम घर पे बैठ के कर रहे ना वही सिलसिला आगे रहेगा, उसे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने सारी एप्लीकेशन लोगों तक पहुंचे ना, हर बंदा घर पे बैठ के सीख सकता है ऑस्मोस कैसे काम करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे लेके जाना है। ओके, तो केवल उसके ऊपर ध्यान देना है हमको। अभी यहाँ पे कुछ लोग जिनको इन्विटेशन नहीं ऐसे जा चुके क्योंकि क्या चल रहा है ऑस्मोस में, देख क्या है वही ना, ऐसा नहीं जो कुछ भी चलेगा दोस्तों ये ओपन टू ऑल है, सबको पता चलता है। कुछ मार्केट से हमारे ऑस्मोस परिवार के कुछ लोग किचुक चलने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे, और उनको उकसा कौन रहा पता है, हम लोग ही। जो यूट्यूबर एक क्लिप बना के बेचता है ना उसको प्रमोट कौन करता है पता है, कौन करता है, कौन करता है, तो गलती कौन कर रहा है, वो नहीं कर रहा, हम लोग कर रहे हैं। जरूरी नहीं है उसको प्रमोट करने की, अगर हमको पता है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जा रहे हैं कि जिसने शुरू होने से आज तक एक भी दिन एक मिनट मिस नहीं किया, हर एक का हर एक बंदे का 20-20 रुपए समय पे जा रहा है, जरूरी नहीं है दोस्तों। और ये जो भी कुछ कर रहे हैं लोग तो अभी ऐसा सोचेंगे कि कोई भी पत्थर मारता तो बबलू के पेड़ को नहीं मारता, किसको मारता है, आम के पेड़ को मारता है, पॉजिटिव है दोस्तों। ओके, लेकिन उसके
रिगार्डिंग कंपनी छूटने बैठी है, ऐसे कोई अगर हमारे खिलाफ कुछ गलत काम कर रहा है उसके लिए कंपनी की हमारी लीगल बॉडी है और हमारे आज एक नोटिस भी जारी किया हमारे कंपनी के लीगल एडवाइजर आज हमारे लिए उपस्थित है आनंद सर कहां से। तो दोस्तों मैं आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाता हूं, वो भी आपसे बात करेंगे, आप समझ जाएंगे कि हम किस लेवल से किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ओके सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर आनंद भगत सर, एडवोकेट आनंद भगत सर प्लीज। मेरा नाम एडवोकेट आनंद भगत, पिछले 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं कोर्ट के अंदर और मेरी जो शुरुआत हुई थी वो नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्टर के साथ भी शुरुआत हुई थी जिसका मैंने बेल किया था 2000 में और तभी से ये बाइनरी 1 2 4 8 16 32 मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है और कितने लोगों का मैंने डायरेक्टर लोगों का और कितने कंपनियों का मैंने प्रॉब्लम देखा होगा यू कैन नॉट इमेजिन। और वही एक्सपीरियंस लेके कुछ सालों के बाद मैंने थोड़ा सा एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा तजुर्बा जो है वो देने की शुरुआत की थी। जो कंपनियां लॉक होने के लिए थी ऐसे कंपनी को हमने लीगल फॉर्म की तरफ से हमने मिरेकल करके दिखाया इंडिया में और उसके मेरे YouTube के ऊपर मेरे खुद के वीडियोज भी आप देख सकते हैं। एडवोकेट आनंद भगत डालने के बाद कुछ लोग यहाँ पे विटनेस भी है उनको पता है वो क्या कंपनी थी क्या हो रहा था और हमने सारे कॉम्प्लिकेशंस उस कंपनी से निकल के काम किए। दोस्तों मुझे पता नहीं थी तारीख 12 मार्च अभी शेवाड़ी साहब ने बोला आई एम द फर्स्ट पर्सन मैं आपको खुद अप्रोच हुआ हूं। मैं अलग अलग तरीके से ऑस्मोस को मैं अप्रोच हो रहा था कि सर आप मुझे मिलिए और मैं मेरी स्किल और मेरा अपडेशन मैं आपको देने की कोशिश करना चाहता हूं। मैं आप मैं मेरे तरफ से आपको अप्रोच हुआ हूं, आप मुझे अप्रोच नहीं हुए क्योंकि दोस्तों 14 मार्च को मैं बॉम्बे में था, लॉकडाउन घोषित हुआ था, 21 मार्च को पूरा लॉकडाउन हुआ और मुझे पता चला कि ऑस्मोस करके एक प्लेटफॉर्म है जो महाराष्ट्र और इंडिया में धूम मचा रहा है लेकिन थोड़ा सा शार्पनेस करने की कोशिश है ऑस्मोस को। तो जो जो मेरे पहचान के लोग मुझे प्लान भेजते थे या मुझे रिक्वेस्ट करते थे वेरी हायर लेवल पे और मैं उनको बोलता था कि सर मेरी मीटिंग कीजिए कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, आई वांट टू मेक सम करेक्शन इन द कंपनी फॉर्मेट, इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि दोस्तों 20 साल से ये इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर रही है, लोगों को रोजगार देने की काम कर रही है और अगर वही वापिस 10-12 लाख लोगों के बीच में ये नेगेटिव मार्क चला जाएगा कि ऐसी कंपनी आती है और चली जाती है ये मैं करना नहीं चाहता था आपके लोगों ने, इसलिए मैं खुद अप्रोच हुआ हूं। और मेरी यही कंसर्न था कि मैं जो कुछ मुझे पता था कि ट्रांजेक्शन में कंपनी के डायरेक्टर है मैनेजमेंट है बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं लेकिन कुछ कंप्लायंस करना बाकी है। लेकिन दोस्तों कोविड-19 के सिचुएशन के वजह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेस आज भी क्लोज है और हमने फिर काम शुरू किया। करीबन 15 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई राइट और मैं समझने की कोशिश की मैंने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की कंपनी को कंपनी के प्रोडक्ट को और उस तरीके से हम कंपनी को कंप्लायंस में लीगल कंप्लायंस में आपको कोई उंगली नहीं दिखा सकता कि भाई आपके पास में ये लाइसेंस नहीं है और आप ये काम नहीं कर सकते। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी कंपनी को सारा लीगल प्रोटेक्शन दूंगा और देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय जो रहेगा दिल्ली वहां पे हमारी कंपनी रिप्रेजेंटेशन करनी जा रही है कि सर हम ये काम कर रहे हैं आप हमें बताइए और इस तरीके से हमारा हम बहुत जल्दी इस देश के सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के सामने हम खुद प्रेजेंट होने वाले। कोविड-19 की वजह से कुछ कंप्लायंस करना बाकी है और वो कंप्लायंस करने के लिए मेरे पास टाइम की जरूरत मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि सब कुछ एक ही लेवल पे हो रहा है। सुमित मुझे बोलता है सर ये भी करना है ये भी करना है सर ये भी करना है ये भी करना है मैं सुन के लेता हूँ सुमित का फिर
फिर मुझे जो करना है उतना मैं सुमित को डिलीवर करता हूँ। सुमित सर आज इतना डिलीवर है, फिर कल मैं होता सर आज इतना डिलीवर, इतना ही, क्योंकि वो सब बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि जाया बटन दबाया और आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है इस केस में। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं आपको सही तरीके से मैं प्लान देने की कोशिश करूंगा, आपको टर्म्स कंडीशंस कुछ क्रोनोलॉजिकल बताने की कोशिश करूंगा, जिससे नीचे जाके डुप्लीकेट हो सके वो सारी चीजें। और नीचे जब ग्राउंड पर डुप्लीकेट वो होगा तो कोई तकलीफ देने के लिए नहीं आएगा। मान के चलो कि सर आप है सर, अभी आपने किसी को प्लान बताया, तो अगर तकलीफ होगी तो वो बंदा किसके पास आएगा सबसे पहले? कंपनी के पास कोई नहीं आएगा सर। अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो बंदा आप ही के पास आएगा, सबसे पहले तकलीफ आपको चालू होगी सर। मैनेजमेंट को बहुत दूर की बात है, आज मोर देन मैंने 152 दो कॉल मैंने अभी नहीं उठाए बीच के, मैंने कॉल आज अटेंड किए कॉस्मोस के, ऑल ओवर इंडिया से मुझे कॉल आए और बहुत बेसिक बेसिक सवाल थे उनके, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, जितना हो सके मैंने उनको आंसर देने की कोशिश की, क्योंकि मैं आज इस मीटिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा था। तो मैं उनसे सीख रहा था कि मेरे कुछ में क्या कमी है, तो वो लोग मुझे सिखा रहे थे और मैं सीख रहा था उनसे, इसलिए मैंने सभी का कॉल अटेंड किया इसमें, और हमने उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट भी किया, और मैंने सुमित सर को वो भेज भी दिया कि सुमित सर मुझे ये सारा सारा चाहिए इमीडिएटली। सुमित सर ने भी इमीडिएटली आईटी टीम को बताया, आईटी टीम ने भी मुझे कॉल किया कि सर क्या करना है आप बताइए, हम करके देंगे सर। सो दिस इज द योर कंपनी नॉट माय कंपनी सर, सुनिए ये आपकी कंपनी है, ये आपकी फैमिली है दोस्तों। अगर आप कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करेंगे, मैं वापस बोल रहा हूं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सेक्शन 96 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट सिर्फ आपके लिए बनाया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लिए ये एक्ट बनाया है दोस्तों। पहला हमारा कानून चल रहा था 1986 का, और अभी 2019 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो एक्ट में सेक्शन 96 गवर्नमेंट ने डाला है, वो सिर्फ डाला है आपके लिए डाला है कि आप लोग मार्केट में जाके डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अगर करेंगे तो उस बिजनेस में आप कुछ अनफेयर प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो सर आपके घर से या आपके कंपनी में कोई नहीं आएगा सर। देखो मैं अभी धीरे धीरे जा रहा हूं, मैं आपसे बात करते करते मैं आपको सेशन बताऊंगा और आपको क्या करना नहीं है और क्या करना है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेक्शन 96 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो 2019 में लोकसभा में पारित हुआ था और कुछ वजह के वजह से राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया तो वो एक्ट नहीं बनता है, क्योंकि लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा की उसको मंजूरी नहीं थी, तब तक प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकता था, जो 2020 में हुआ। तो हम बहुत खुश हुए थे 2019 में, मैंने हर सेमिनार में बहुत ढोल बजा के बताया कि आज हमारे लिए कुछ कानून बना है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, लेकिन आज वो कानून है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। देखो कंपनी का कोई मैनेजमेंट नीचे प्लान बताने के लिए नहीं आता है, ना डायरेक्टर आता है, प्लान कौन बताता है? आप लोग बताते हैं। तो आप पहले कंपनी को समझिए, कंपनी के प्रोडक्ट को समझिए, कंपनी का प्लेटफॉर्म को अगर आप समझेंगे तो ही आप उसको डुप्लीकेट कर पाएंगे। अभी मुझे 10 मिनट पहले एक पाटिल साहब का फोन आया था, नाम था अभी मुझे व्हाट्सएप ट्रू कलर के ऊपर समथिंग पाटिल करके कोल्हापुर से कॉल था, तो मैंने कॉल उठाया, उसके पहले के दो तीन वेस्ट बंगाल ओडिशा के मैंने कॉल नहीं उठाई। तो बोले सर मैंने तो काम किया है, शुरू किया है, लेकिन बहुत निगेटिव भी है और मार्केट में ऐसा बहुत कुछ 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 है, तो मैं तो आप क्या बताते प्लान पे? तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं सर मैंने 1200 रुपए भरा है, लोगों को मैं 1200 रुपए बोलता हूँ। तो मैंने जितना मैंने सुमित से समझा था, सुमित सर से, उतना मैंने उनको बताया कि सर हमारा ये कंपनी है। सर बोले अभी मुझे समझ में आया कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, अगर जब तक हमारा यूजर बेस नहीं बनेगा तब तक हम फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तक नहीं दे सकते, और जिस दिन सर हमारा इतना यूजर बेस बनेगा तो ही हमको रेवेन्यू जनरेट होगा। उस पार्टी को समझ में कोल्हापुर से मैंने उनको थोड़ा सा उनको लेके मैं छोड़ता था, फिर उनको पकड़ता था अभी 10 मिनट पहले, फिर छोड़ता था, फिर पकड़ता था, तो उनको समझ में आया दोस्तों कि मुझे यूजर बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये कब बन सकता है कि अगर आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके टाइम का प्लान नहीं बताएंगे कि आप 1200 रुपए बोलो आपको हर महीने में 10,000 रुपए आएगा, उस एरिया का पुलिस आपको तकलीफ देगा, कंपनी वहां पे नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि आपने वो प्लान प्रेजेंट किया है, डायरेक्टर इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट एक्टिविटीज। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करके सेक्शन 96 से दोस्तों आप जितना सही तरीके से प्लान करेंगे अपनी कंपनी होके, उतना ये कंपनी सर जल्दी ग्रो हो पाएगी। इस केस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द गाइडलाइंस। सर ने और हमने शुरू किया गाइडलाइंस के ऊपर, और अभी हम अंडरटेकिंग, यानी कोई भी अगर हम लाइसेंस लेते हैं तो पहले हमें अंडरटेकिंग देना पड़ता है। लर्निंग लाइसेंस लेते तो हम लर्निंग लाइसेंस के लिए हम एप्लीकेशन करते हैं, तो हमें पहले टेम्पररी लाइसेंस मिलता है और फिर हमें परमानेंट लाइसेंस मिलता है। तो आज हम उस अंडरटेकिंग स्टेज में है कि भाई हमें डायरेक्ट सेलिंग का लाइसेंस चाहिए और हमने अंडरटेकिंग का हमने फाइलिंग किया है दोस्तों मिनिस्ट्री को, और ये लाइसेंस ऐसा नहीं कि आज करेंगे और कल आ जाएगा दोस्तों, ये आएगा लेकिन वी आर इन द प्रोसेस, आप समझे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद देखो बेबी बॉर्न होने के लिए भी 9 महीने लेगी बच्चा एक पैदा होने के लिए, तो कंपनी को भी कुछ कंप्लायंस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर आपके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आती है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बना इस देश में, तो इस देश में जो आज हम तरीके से काम कर रहे हैं डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी पॉलिसी या कुछ डिफेमेशन, हम कुछ भी किसी के फेसबुक के ऊपर कोई कमेंट करते हैं, तो ये सारा चीजें की करने के लिए कंपनी आज वो कंप्लायंस करने के लिए कंपनी कोशिश कर रही है अपनी दोस्तों ऑस्मोस टेक्नोलॉजी, आप समझिए बात। तो आपको ये सारा कंप्लायंस किसके लिए चल रहा है दोस्तों, आपके लिए चल रहा है, और अगर ये सारा शील्ड या ढाल अगर आपके पास आएंगे तो आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। आप 1200 रुपए बोल लेते हैं तो आप 1200 रुपए में आपको हर रोज 20 रुपए आएगा, अरे भाई 1200 रुपए से तुझे वो कुछ परचेसिंग करना है, हमने पैसा लिया पैसे के बदले हमने सेवा दी, यही लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप बोलेंगे कि नहीं भाई आप 1200 रुपए भरो 12000 रुपए भरो 12 लाख रुपए भरते जाएंगे, आप हंस रहे तो मुझे पता है कि आप लोग क्या धंधा कर रहे। अगर आपके स्माइल को मुझे समझ में आ रहा है कि आप ये लोग नीचे जाके गलतियां कर रहे, देखो आप सारे लोग पिछले 10-15 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आप सारे लोग जुड़े हुए हैं सर, तो आप जो सही तरीके से करेंगे, क्योंकि अपना जो डाउनलाइन है उस डाउनलाइन को अगर आप ठीक तरह से पकड़ के रखेंगे तो शायद आपको ये बहुत आगे लेके जाएगा, कोई भी कंपनी हो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन आप उनको ऐसा तितर बितर छोड़ के देंगे तो दोस्तों यही लोग जाके आपकी कल निगेटिविटी करेंगे, यही लोग आपको मुश्किल में लाएंगे। तो आज तक हमने बात की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की, मैंने बात की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 10 तक बहुत प्रावधान है जो आपके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके ऊपर हम आप प्रॉब्लम में आएंगे कंपनी नहीं आएगी, क्योंकि आपने नीचे प्लान क्या बताया मुझे पता नहीं है इस केस में। तो आपको यह समझना है कि आपका ग्राहक कौन है, आपका कस्टमर कौन है, अगर उस बंदे को कुछ पता ही नहीं है, इफ इज नॉट अ स्मॉल टेक्नो गाइस, आप किसी को भी कुछ बेच के आएंगे तो सर वो कल जाके तकलीफ देगा सर आपको दोस्तों, मैं आपको समझा इस केस में। तो आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी, आप मुझे बोलो कि सर आज से इस फोरम के बाद हम जाएंगे तो कोई गलत बात हम नहीं करेंगे इस केस में, और कुछ लोग जो गलत कर रहे थे या हमारा प्लान को डुप्लीकेट कर रहे थे हमारा जैसे नाम ले रहे थे, तो हमने उनके ऊपर आज एक नोटिस डाल दिया। उस नोटिस में मेरे ख्याल से नीचे से 3 नंबर का पैराग्राफ है, वो लीडर लोगों के लिए भी है एजेंट लोगों के लिए भी है, अगर आप कुछ ऐसा काम करेंगे तो कंपनी आपके ऊपर भी स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ले सकती है। और इसके लिए ना सुमित सर मुझे रोक सकते ना कोई कंपनी का अदर मैनेजमेंट रोक सकता है, कुछ लोग मुझे पहचानते हैं, मैं एक्शन लेके छोड़ दूंगा, मैं पूछूंगा भी नहीं कंपनी को, मुझे कोई रिकॉर्डिंग मिलता है कि नहीं सर ऑस्मोस ये फेक कंपनी है और ऑस्मोस ने इतने लोगों को फंसाया, तो मैं बोलूंगा क्या फेक कंपनी मुझे बताओ, यू शुड द प्रूफ मी, मैं कोशिश करूंगा तेरा ग्रीवेंस सॉल्व करने की, और नहीं है तो फिर मैं तुझसे मांगूंगा। आज हमने 1 कोटी मांगा है, आज हमने 1 कोटी रुपए मांगा है जो लोग हमारे लिए और आज
हमने अमेरिका में यूट्यूब को नोटिस भेजा है, यूट्यूब के हेड ऑफिस को ऑस्मोस ने आज नोटिस भेजा है और 1 करोड़ मांगा है। अगर आप हमारी कंपनी का बदनामी नहीं रखेंगे और ये जो फालतू नंदू पाटिल है, ये फालतू प्रिंट ऑप्टिक है, मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने नोटिस डाला है, आप रिकॉर्डिंग करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आई ऑलरेडी देखो मेरे 3 में से तो मेरा 3 निकल गया है। फिर एक कोई तो सर ने मुझे भेजा था न्यूज पेपर वाला, उसको भी भेज दिया। फिर और कोई था उसको भी भेज दिया। फिर एक ग्राहक मंच वाला था उसको भी भेज दिया और एक एसी खान मैंने भेज दिया, मैंने एसी को भी भेज दिया। भाई ये आपके पास आया है, ये हमारी कंपनी है, आप आइए हम बात करेंगे आपके साथ, आप हमें बुलाइए। अगर मैं गलत नहीं हूं, किसी बंदे ने बोला तो मैं खुद उनको नोटिस भेजूंगा। तो हमने हर एक आदमी को आज 1-1 कोटि मांगा हुआ है। एक तो आप ये सारे यूट्यूब से सारे मीडिया से सारे क्लिप निकालो, नहीं तो हम आपको हमें 1 कोटि रुपए देना पड़ेगा। सर 10 लाख है आपके पास स्टैंप ड्यूटी भरने के लिए, खत्म खत्म। कल 2 दिन में कोर्ट में दावा दाखिल हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? अगर ये उनके लिए लागू है तो दोस्तों आपके लिए भी लागू है। राइट, ये समझिए। राइट, तो कंपनी ने आज एक्शन लेना शुरू किया है, कंपनी लीगल वे से जाएगी, कंपनी अकाउंटेंट पार्ट से भी सही जाएगी, कंपनी चार्टर्ड अकाउंट के लिए हम काम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंट फर्म हमारे लिए अपॉइंटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगेगी, कंपनी देने के लिए तैयार है दोस्तों। लेकिन आप कल कुछ ऐसा जाके मार्केट में निगेटिव भी मत डालो कि जिसके वजह से प्रॉब्लम हमें आए। दोस्तों बोलने के लिए कुछ लोग जानते हैं, मैं 4 घंटा भी बात कर सकता हूं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। उमेश मुझे जानता है, सदस्य मुझे जानता है, यहाँ पे भी कुछ लोग जानते हैं, और यूट्यूब के ऊपर मेरे खुद के वीडियो 2-2 घंटे की भी है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के ऊपर। सिर्फ मेरा एक स्पीच में खत्म करूंगा एक कहानी आपको बता के। एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को कहा कि बगीचे में जाके ये गोभी भर के फल लेके आना। एक राजा ने अपने 3 अच्छे मंत्री बुलाए और ये 3 मंत्रियों को बोला कि ये अपना बगीचा जा रहे, बगीचे में जाके अच्छे अच्छे फल लाके गोभी में भर के आना, मैं आपको बहुत अच्छा एक अवार्ड दूंगा। तो ये 3 मंत्री बगीचे में गए, एक मंत्री ने क्या किया, जो नीचे फल गिरे थे, जो सड़े पुराने थे, खराब थे, वो गोली में भर के लाए, उसकी दवा दवा के लेके आए और उस गोली को पैक करके वो सबसे पहले महल में आया कि महाराज आपने कहा था फल लेके आने के लिए, तो मैं फल लेके आया हूं। महाराज बोले ठीक है। दूसरा बंदा आया, उस दूसरे बंदे ने क्या किया, कुछ अच्छे फल लिए, कुछ खराब फल लिए, कुछ कच्चे फल लिए और अच्छे अच्छे फल गोली के ऊपर रखे और वो आया। तीसरा जो मंत्री था वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, पेड़ से कुछ कच्चे फल निकाले, कुछ मीठे फल निकाले, कुछ अच्छे अच्छे फल लेके उसको आने में थोड़ा सा 3-4 घंटा लगा। तो राजा ने बोला अभी एक काम करो, ये 3 मंत्रियों को जेल के अंदर डाल दो। तो ये 3 मंत्रियों को जेल के अंदर डाल दिया। तो जिसने खराब फल लाए थे वो 2 दिन में गुजर गया, क्योंकि उसके बॉडी में सारे खराब फल थे। जो दूसरा था वो 8 दिन के गुजर गया और जो तीसरा था वो 15 दिन तक जिंदा था। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आपके बॉडी में आप कौन से फल लाने वाले हो आपके ऊपर। अगर आप खराब खराब फल लेके आएंगे आप इस इंडस्ट्री से बाहर निकल जाओगे। अगर आप सही तरीके से समझ के लोगों को अगर आप एजुकेटेड करके आपके बॉडी में अच्छे फल लाएंगे तो कर्म का फल आपको मिलेगा। तो यह समझना जरूरत है कि आपके बॉडी में कौन से फल डालने। ओके ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अगर आपके बोली में खराब फल आएंगे, अलग अलग कंपनी के जो जो लीडर्स सो कॉल्ड लीडर्स है जो खुद को बहुत बड़े लीडर्स मानते हैं, कोई उनका पेआउट नहीं है, पिछले 2 साल से वही चल रहा है, वो आएंगे आपके नेटवर्क को भी खराब करेंगे, कंपनी को भी खराब करेंगे, सबका माहौल करेंगे। तो देखो जब फल अच्छा है क्या क्या है, पिंपला आम है तो छोड़ दो उसको, अच्छा फल है तो लेके आओ बोली में। राइट सर, कि देखो हमने अलग अलग कंपनी में काम किया है,
राइट, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चर रहता था, राइट, और वो मैन्युफैक्चर कंपनी को सप्लाई करता था और वही प्रोडक्ट को हम आगे जाके बेचते थे, राइट, यही है। अभी यहां तक क्या है कि हम किस सेक्टर में है, ई कॉमर्स में, राइट, तो यहां पे जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो बंदा ले सकता है, राइट, क्योंकि चॉइस उसके पास में। तो कंपनी ने क्या किया कि एक डिवीजन बनाई मैन्युफैक्चरिंग की, तो उस कंपनी ने क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग किया, पिकनिक, राइट, लोलोचन, राइट, ई कॉमर्स बिजनेस। तो माइंड स्किल करके जो कंपनी है उन्होंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके प्रमोशन के लिए किसको दिया, ऑस्मोस को दिया, और ऑस्मोस क्या उस प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। फिर और एक दूसरी कंपनी थी ड्रैगन करके, ड्रैगन फ्रेंड करके, उनके भी कुछ प्रोडक्ट थे, वो हमने प्रमोशन के लिए हमारे पास में लिए, किसने लिए, ऑस्मोस ने लिए, और ऑस्मोस उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि जैसे कोई कंपनी न्यूट्रिशन या कोई अदर प्रोडक्ट देता था, तो अपनी भी कंपनी है माइंड स्किल करके या ड्रैगन फ्रेंड करके, वो कंपनी आईटी से रिलेटेड है, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके ऑस्मोस को दे रही, और ऑस्मोस ने उनके साथ में एक प्रीवियस एग्रीमेंट में किया था, और आज हम एक रजिस्टर एग्रीमेंट करने जा रहे हैं 2 दिन के अंदर, वो भी एग्रीमेंट आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। कोई कोई शक आपको, थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत नमस्कार मेरी तरफ से, और फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिल रहा है स्टेज शेयर करने का, तो सबसे पहले मैं ऑस्मोस फैमिली के सभी प्रमोटर्स को थैंक्स बोलता हूं कि आपने आज ऑस्मोस को जिस जगह पे लेके आए, ऑस्मो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को, उसके ऊपर जोरदार तालियां अपने आप से। तो आज की जो मीटिंग है वो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस है उसका मोटो क्या था, उसका मोटो था कि बहुत सारे क्रिटिसाइजर्स हैं, क्रिटिसाइज करते हैं हमारी कंपनी को, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जब हमारे प्रमोटर्स प्रमोट करने के लिए जाते हैं उनको बहुत सारे नो शेयर्स मिलते हैं, और जो लोग नो बोलते हैं उसके बाद क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा करते हैं कंपनी को, जिसकी वजह से उन्हें दुख होता है, उनके क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पर कंपनी बोल सकती है कि मैंने अपना प्लान दिया है, मैंने अपना सब कुछ दिया है, आगे ले जाइए प्लीज बताइए, लेकिन उसके अगेंस्ट हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा ये मानना है कंपनी आज जो ये मीटिंग कर रही है उसका एक छोटा सा लास्ट में कंक्लूड निकलेगा कि हम किसी को प्लान दिखाने जाएं, अपना कॉन्सेप्ट समझाने जाएं, वो करे या ना करे डजंट मैटर, लेकिन हम उसकी आंख से आंख मिला के बाहर निकलेंगे, और जब हम लोग बाहर आएंगे तो हमारे अंदर एक चीज होगी कि हमने उसे गलत नहीं बताया, और आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ उसको समझ आएगा कि एक लड़का आया था जो 2 रुपए 20 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए वाली बातें कर रहा था और आज लाखों में अर्निंग कर रहा है, और उसको अफसोस होना चाहिए कि शायद उस दिन में उसकी बात को सीरियस लेता वो झूठ नहीं बोल रहा था। सो बहुत ही रेंडमली आप लोगों के बीच में क्वेश्चंस आए होंगे, यूट्यूबर्स आजकल एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, यूट्यूबर एक प्रोफेशन है, और वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे हंसी आ रही है, जो लोग खुद लाइक और शेयर से, लाइक और सब्सक्राइब से पैसे कमा रहे हैं वो हमको बता रहे हैं कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, है ना, वो उल्टा चोट कटवा पर डाटे, है ना, ये जो खुद तुम जो काम कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे तुम खड़े हो, जहां पे तुम पैसे कमा रहे हो लोगों की लाइक्स लेके, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, यूट्यूबर एक प्रोफेशन नहीं है, आज लोग सच में लोगों को देखते हैं और उनकी ड्यूटी बनती है कि वो सच बोले। मेरे कमेंट्स डिलीट हुए, मैंने कुछ यूट्यूबर्स को कमेंट्स किए थे कि इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो कि कंपनी सही है गलत है तो प्लीज कम टू माय प्लेस, और आई वांट टू इनवाइट माय सेल्फ, मैं अपने आप को आपकी जगह पर बुलाना चाहता हूं, और मैन टू मैन एक टॉक हो जाए, सिर्फ 4 वीडियोस देख के 2 लोगों से मिलके आप एक मैसेज देते हो जिससे कितने से लोगों की लाइफ खराब होती है। गाइस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, मैं मुझे आज टोटल 94 डेज हो रहे हैं, आज से 1 महीने पहले मैं गया और मैंने किसी को बताया कि ये कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली वी आर वेर इन आईटी सेक्टर, लोग पूछते हैं आप कहां हैं, आप एमएलएम से हैं, ये जोड़ने वाला काम, तो मैं जोड़ने के लिए सबको बोलता हूं, ना ही मैं फेविकॉल वाला हूं, ना ही मैं फेविक्विक वाला हूं, ना ही मैं कंस्ट्रक्टर हूं कि जोड़ाई करता हूं, मैं नहीं हूं, आई एम प्रमोटर, मेरा इसमें प्रोफाइल है कंपनी का,
कि मैं एक प्रमोशनल पार्टनर हूं, मैं प्रमोट करता हूं। मैंने गया, मैंने उससे बताया, उसने एक वीडियो देखी होगी, उसने मना कर दिया। मैंने बोला इट्स ओके, होता है, मना किया तो अपने प्राउड होना चाहिए। आज जब 2 महीने बाद वो मेरा ब्रदर है, बहुत क्लोज है, आज 2 महीने बाद आज जब वो ये देखेगा, और उसके बाद भी उसने कई लोगों की इनकम देखी और उसको बहुत नीड थी उस इनकम की, वो कर सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग मैसेज जो हमको फेक बोलते हैं, जो लोगों को ये बोलते हैं कि मैं आपकी लाइफ बचाना चाहता हूं। दुनिया में, इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई और चले गई जिससे लोगों का पैसा गया, और वो लोगों को ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि एक पर्सन की लाइफ बन सकती थी, आज वो बन नहीं पाई। तो ये रॉन्ग मैसेज सिर्फ उसके एंटरटेनमेंट के लिए, गाइस, कई लोगों का फ्यूचर डिपेंड करता है। कई लोग जो ना बोलते हैं कल वो कहां हो सकते थे, तो आज उनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जो एमडी सर ने, सुमित शर्मा सर ने, जगताप सर ने, प्रदीप सर ने जो इनिशिएट किया वो बहुत जरूरी था कि हम चुप रह सकते थे, बोलने वाले बोलेंगे। आज आनंद सर आए, आनंद सर ने एक्चुअली ना बोल दिया, धमकी देते ना ओपन, चैलेंज करते ना, बोल दिया, बहुत मजा आया मेरे को, मैंने रिकॉर्ड किया, मैं दिखाऊंगा, और चाहेंगे जिसने बोला ना जो बोलेगा तो देख फिर बात करना। तो आज मैं आपको बोलूं कि जो इनिशिएट किया गया है उन लोगों के लिए गया है कि आप लोगों में से अगर कोई सचमुच एक प्रमोशनल पार्टनर बनना चाहता है, आपके टैलेंट को बाहर लाना चाहता है, तो प्लीज आप लोग यहाँ पे आइए। जेन्युइन है आप और हमारे बीच में आज जो सेशन है, दिस इज नॉट अ कॉन्फ्रेंस मीटिंग, दिस इज ट्रांसपेरेंसी मीटिंग। आज क्लियरिटी हो रही है किसी भी, आज एक फैमिली है। अगर आप और हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी रहती है तो ट्रस्ट बढ़ता है। आज कंपनी किसी को छुपा नहीं रही आपसे, आपके सामने सुमित सर, आपके सामने मिस्टर वैभव पटास्कर यहां पर आए, इन्होंने सारी चीजें बताई, ये आपके और अपने बीच के ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए। बोले सर, आई थिंक मैं सर इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। माय नेम इज राहुल शर्मा और नेटवर्किंग को लोग करते हैं। मैंने कोर्स किया एक साल का डिप्लोमा फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो मेरे फर्स्ट DSI MLM जो भी बोलिए, बट आई लव टू, मैं एंजॉय कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो आज आप लोगों को सर यहाँ इसलिए बुलाया गया। एंड सर, मेरे को एडवोकेट आनंद सर के लिए जोरदार धन्यवाद। उन्होंने जैसे बोला ना सर, एक होता है बाई चांस लोग कंपनी में आते हैं, मुझे प्लान नहीं दिखाया गया था। मैं, मेरा फ्रेंड था फेसबुक में वर्क करता है, वो मुझे फेसबुक के बारे में बहुत कुछ बताता था, उसने जर्नी बताई थी। तो उसके बाद मुझे लगा था कि नहीं यार, फेसबुक सच में इतना बड़ा और इतना कुछ है। जिस दिन मैंने ये प्लान को एक व्हाट्सएप मैसेज में पढ़ा, मैं क्या था ढूंढते हुए, सो दिस बिजनेस इज नॉट बाय चांस फॉर मी, दिस इज माय चॉइस, ये मेरी चॉइस थी, इसलिए आज मैं खड़ा हूं। एंड जो सर ने बोला फल, यहां पे अरुण सर ही नाम है सर का, वो लंबे वाले वाले हमारे सर है, सर ने जोरदार तालियां। सर ने और मैंने एक चीज, सर हम लोग छांटते हैं, करता नहीं करेगा, तेरे को प्रमोशन करना है तू बता सकता है, तेरे को चीज समझ आती है, भरोसा होता है तो आता है तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। ओके गाइस, नाउ आई मूव फॉरवर्ड, मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि हमने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के लिए आज एक सेशन रखा है, जिससे कि हमारे बहुत अच्छे लोगों को क्लैरिटी हो सके कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है और लोगों के भले के लिए है। और ये इंडिया की, आई थिंक किसी स्टेट का नाम नहीं, इंडिया में एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कंपनी के नाम पे आ सकती है। तो गिव द बिग हैंड्स ऑफ द कॉन्सर्ट। सो मूव फॉरवर्ड, आज ये एक्चुअली अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, सर लोगों ने बहुत प्यारे तरीके से दिखाया, अरुण सर का मेरा तरीका थोड़ा अलग है, एक्चुअली तमाचा है जो आपको दिखाने जा रहा हूं। उन लोगों ने जो ये बोलते थे दिस इज अ सर्कुलेशन प्लान, हमारे स्टेट में कई जगह ये हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान भी चला है सर, इंश्योरेंस प्लान, 7,000 रुपीज दीजिए और 2020 इतना आ जाएगा कि कल को आप मर रहे होंगे तो पैसे को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, बड़े बड़े इमेजेस बनाए, ट्रेन की फोटो बनाई, 1200 की टिकट 20 रुपए डेली, ये सब चीजें बनाई। एंड एक्चुअली जो अनफेयर ट्रेड के बारे में सर ने बताया, आज जो सर ने बताया, सर ने एक्चुअली हम लोगों को समझाते थे लेकिन समझ नहीं आया, वो बोलते ना सर रातों के भूत बातों से नहीं मानते, आज सर ने डंडा दिखा दिया। और हम लोग को हर किसी को बताना जरूरी है क्योंकि आज आप सभी इसके प्रमोटर है, आप लोगों से कब, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपनी कब बंद होगी, मैं बोलता आप बंद करवाने आया मेरे को लगता है। लोग स्टार्ट बेसिस पे कर रहे, दिस इज अ यूजर इंटरफेस,
आपके पास यूजर है, मैं उनसे पूछता हूँ पहले लोगों से, आपका क्या काम है सर? मेरी शॉप है, ठीक है, 2 साल में दुकान में कोई ग्राहक ना है, क्या करोगे? सामान खराब हो जाएगा, फेंकूंगा, ठीक है, ओके। 3 साल में कोई नहीं आया, क्या करोगे? 4 साल भी नहीं आया, आप ना चाहते हुए भी बंद करोगे। सो कंपनी चलने की जिम्मेदारी पटास्कर सर पर नहीं है, आप पर हमारे पे सर। तो जब तक हम लोग हैं तब तक ही कंपनी चलेगी। और फिर सर में पूछते हैं कि सर अगर मुझ जैसे या फिर जैसा आप बोल रहे हैं जो लोग फॉल्स काम करते हैं, अगर ऐसे लोग हुए कंपनी बंद हो गई तो हम है ना, अभी हम गए नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे को हटाने के लिए और सही लोगों को सामने आने के लिए बहुत सारे प्रमोटर्स हैं। तो आप लोगों के लिए सर जोरदार तालियां। मैं आप लोगों के सामने आज कंपनी अपना एक जो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू वो आप लोगों को मनी आगे देने वाली है, जिसके बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं लोगों को क्या है वो आज आपके सामने आने वाला है। तो आज हम आपके सामने एक रेवेन्यू प्लान जो कंपनी को मिला हुआ है, जो कंपनी आपके सामने शो कर रही है, तो गिव अ बिग हैंड टू रिक्वेस्ट टू मिस्टर सुमित सर। अच्छा सर भी रेडी हो गए, ओके सर, थोड़ा सा इससे बात करते हैं, सर रेडी करके ला लेंगे। रेवेन्यू प्लान सर, हम सभी थोड़े से कॉन्सेप्चुअल जाते हैं जो कि हमारे प्रेजेंटेशन में चल रहे हैं। वी ऑल आर इंडियन एंड प्राउड टू बी, बिकॉज पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पे 65% यूथ रहता है पूरा सर। और सिर्फ हम ही नहीं सर, बाहर के सभी देश हमारे पे नजर गड़ाए हुए, बिकॉज यूथ जहां है वहां क्या है, वहां एनर्जी है, एंड एनर्जी कैन डू एनीथिंग। 65% यूथ है और 33 करोड़ अकॉर्डिंग टू गूगल इंफॉर्मेशन जहां से भी निकलती है, अकॉर्डिंग टू गूगल 33 करोड़ लोग आज ऑनलाइन गेम प्ले करते हैं। आपके सामने की बात है कि बहुत सारे गेम जो चल रहे थे और बंद हुए, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए लोग क्रेजी हो गए थे, लोगों ने जॉब छोड़ के कुछ गेम खेलने शुरू कर दिए थे, ओके। तो 33 करोड़ का पॉपुलेशन है सर जो ऑनलाइन गेम में इंटरेस्टेड है। एंड वी हम कहां टारगेट कर रहे हैं सर, हम 4 चीज में टारगेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर, ऑनलाइन गेम सेक्टर, तीनों जगह कर रहे हैं। और सिर्फ एक सेक्टर को टच करते हैं गेम्स को, 33 करोड़ यूजर्स आर देयर। और कितने हुए अभी जस्ट, एक्सक्यूज मी, कितने हुए जस्ट गेम की बात करूं सर, नथिंग एल्स, 5 to 10,000 मार्केट देखिए सर, 33 करोड़ यूजर्स मार्केट देखिए आप, और जहां से पैसे नहीं आ रहे, अगर उसको हम प्रॉपर एजुकेट कर दे कि आपका फोन ही आपके लिए एम्प्लॉयमेंट का सोर्स हो सकता है, तो कितना बड़ा चेंज आ सकता है। तो आज आपका सर मार्केट वैल्यू आप देख सकते हैं, सिर्फ मैं ऑनलाइन गेम्स की बात कर रहा हूं, 33 करोड़ यूजर्स आर यूजिंग ऑनलाइन गेम्स इन देयर एंड्रॉइड फोन और iOS फोन, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा बिग फ्लिक है, वी ऑल नो, ओके, एंड वी आर टू प्राउड, clap for the big flick please। big flick के अंदर एक right thumb जो होता है, हम right hand में पकड़ते हैं, उसे corner पे एक sense है। starting में बहुत सारे लोगों ने बोला कि ad से पैसे आते हैं, actually concept यही था, लेकिन फिर बोला कि ad को दिखता नहीं, एक photo डालो वो आगे नहीं चलती, दूसरी नहीं आती, पीछे नहीं जाती। आज वहां पे आप वहां जाते हैं तो वहां games हैं, games के लिए आप गेम्स में एड्स देखेंगे। लोगों को बताइए कि आपका कॉन्सेप्ट गलत नहीं था, क्यों गेम खेलेंगे? जब आप गेम खेलेंगे और जब आप उस गेम में एक 3 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, 3 चांस मिलते हैं, 3 चांस के बाद आपको एक एड आता है, तो उसको पता चलेगा नहीं वो झूठ नहीं बोल रहा था, एक्चुअली एड आ रहा है। और कोई फ्री में एड नहीं देता, ना ही कोई फ्री में एड लेता है। एड आएगा मतलब क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो क्या होगा, कंपनी के पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो क्या होगा, आप और हमको कंपनी बांटेगी, और उसके बाद कोई भी कंपनी को रोक नहीं पाएगा। तो उन लोगों का गेम खिलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपने स्टार्टिंग में कमिटमेंट की थी, एड आएगा और एड आ रही है, चल रहा है सारा कुछ, ठीक है। सर ने सेक्शन 96 के बारे में बताया, एंड वी आर सो ग्लैड, मुझे एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिला जो इस सेक्टर पे वर्क कर रहे हैं। तो आनंद सर के पर जोरदार तालियां। ओके सर, टोटल यूजर, ओके टोटल यूजर्स के बारे में हम बात करेंगे स्टार्टिंग में। आप लोग यहां पर प्रॉपर देख रहे हैं सर, ओके, दिस इज अ मंथली एक्टिव यूजर्स 6000 सर,
मेरी ग्रुप में सर आज मेरे ग्रुप की स्ट्रेंथ में इस कंपनी एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ, मेरी ग्रुप की स्ट्रेंथ है 10,000। मुझे अपने बहुत मैं पहली बार बना सकता हूँ बोलते हुए देख रहा हूँ, मैं सुना नहीं इतना ज्यादा बोलते हुए, लेकिन आज से मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि 10,000 में से अगर ये 10,000 मेरे अगर हो जाए तो कम से कम कंपनी में ये बोलने के लिए लगेगा कि हम 10,000 तो लोग चलाते हैं। आज 6,000 यूजर मतलब दिस इज द रिजल्ट, nobody care about efforts, efforts कोई नहीं देखता सर। आज हमारा रिजल्ट क्या है, आज हमको सर आई हैव 94 डेज हो रहे हैं, 94-98 डेज हो रही है मुझे, और मुझे एक भी दिन पैसे ऐसा ना हो कि नहीं आए, और एक बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट आ रही है सर। अगर आज मुझसे सर बैठ के पूछ ले मैंने एक भी दिन राहुल गलती की तो मैं पैसे नहीं भेजे, मैं बोलूंगा नहीं सर मेरे को प्रॉपर है ट्रांजेक्शन है, मैं झूठ बोल नहीं सकता। और सर बोलेंगे आपने जो 10,000 लाए आपके सिर्फ नॉट अबाउट ऑल, हम सब तो बहुत अच्छे प्रमोटर्स हैं, क्या हम अच्छे प्रमोटर्स हैं सर? नहीं, वी हैव टू इंप्रूव आवर सेल्फ। और क्या हम करेंगे तैयार है? yes. और क्या हम करेंगे? yes. और आइडिया नेक्स्ट टाइम को जब हम स्टार्ट करेंगे यहां पे यूजर करो बेचिए डजंट मैटर, आज जितने सर उतने आ जाए तो करिश्मा हो जाए, और लाने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं लानी है उनको, लेकिन जितने उनको समझाना है गाइस ये वीडियो बाहर जाने वाली है, नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूं कि हम सभी यहां बैठे एंड वी शुड प्राउड कि यार हमने आज ये मीटिंग थी, एक महीने बाद फिर करते हैं कोई इशू नहीं, चलो एक महीने बाद देखते हैं, बट आजकल से जब खड़े होंगे तो दे विल प्राउड ऑफ अस की वो मीटिंग मेरे लिए बहुत अच्छी थी। जब मैं हमने एक महीने का हर मेंटेलिटी मिडिल क्लास एक महीने की पेमेंट, एक महीने के बाद हम देखते हैं कि हमने क्या किया है। आज यहां से जाने का क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है एक्चुअली, हम लोग के क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम लोग एक्चुअली भी असल में बहुत अच्छा होगा, मेरा काम मैं कर रहा हूं, आप अपना काम करिए और हमको अपना काम पता होना चाहिए। हु वी आर प्रमोशनल पार्टनर सर, मैं सर से ज्यादा दिन नहीं हूं सर, लेकिन मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे लगता नहीं कि या तो मुझे लगता कि मैं ये हूं, मैं मुझे कभी नहीं बोला एमडीए की नहीं है मुझे ऐसा लगता है। सो आज उन्होंने हमको एक प्रोफाइल दिया कि क्या प्रमोशन पार्टनर वी हैव टू प्रमोट। गाइस 6,000 के आसपास का सिर्फ क्राउड है, और हम लोगों को जाने के बाद हमें क्या करना आई थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टोटल एक्टिव यूजर्स सर डेली डीयू मीन्स डेली एक्टिव यूजर्स, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक बाहर जाने वाली है तो मैं अपने सभी लोगों को बता रहा हूं डेली एक्टिव यूजर्स में हर रोज चलाने वाले लोग कितने हैं, ठीक है ना, ओनली 163। अभी थोड़े से प्रमोशन हो जाता ना तो यहां 163 आ जाते। आप सभी से आज मैं आप लोगों से नहीं, जो लोग मुझे देखने वाले हैं को वीडियो पे मैं उनसे कहता हूं आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपने कितने लोगों ने हमसे 1200 रुपए आप लोग बोलते हैं कि दिया है आपने, आपने उससे ज्यादा ले चुके हैं, लेकिन आप हमारे पे क्वेश्चन मारने जाते हैं कि हमसे ये कि नहीं, प्लीज आप पहले अपने आप पे क्वेश्चन लगाइए कि आपसे ये कि नहीं। दिस इज इनसाइड पिक फ्लिक, ये पिक फ्लिक के अंदर है। लोग बोलते ना कहां से चलेगा, कितने देर चलाओ, ये गेम है एंड दिस इज योर ड्यूटी। आपको क्यों पैसे मिल रहे हैं, आपको एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए, क्या सबसे पहली बात है क्या हम सब यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग वही चीज सामने वाले को बताते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को जो मुझे देख रहे हैं कि आप सभी हम पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन लगाऊंगा और अपनी टीम के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी प्रमोटर्स हैं जो अपने आप बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर बोलते हैं, जो कि सर ने बताया अगर है तो क्वेश्चन आज उन पर राइज होता है, कर दे सुमित सर से बात करके, अगर सुमित सर बहुत जल्दी टेम्पर ऊपर नीचे होता है, अगर सर आज छोटी सी बात कर दे जितने लोग नहीं चलाया ठीक है कोई बात नहीं कर दो वापस, कोई रेडी नहीं होगा सर, और कंपनी से इसके बात भी नहीं करना चाह रही, कंपनी जस्ट वॉन्ट कि डेली यूजर्स बढ़े, लोग अपना टाइम स्पेंड करें, एंड दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, छोटे छोटे समय से एक बहुत बड़ा समय बन सकता है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि हम सभी लोग इसको ध्यान देंगे। व्हाट ECPM सर? कॉस्ट पर मंथ, ओके पर 1000 यूजर्स, 1000 अगर यूज 1000 लोगों का इंप्रेशन आता है तो अपने को वन ECPM मिलता है सर, ओके $1
नंबर ऑफ डेली एक्टिव यूजर्स अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं, उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो कुछ भी नहीं है। हाईएस्ट नंबर ऑफ डाउनलोड्स हुए थे एक्सट्रॉइड अटैक्स के 10,000। उन्होंने जब लोगों ने आए थे 10,000 लोग और उन्होंने जब गेम खेला तो उनके इम्प्रेशंस कम हुए 72.5K। 72,000 इम्प्रेशन सिर्फ 6,000 से 8,000 लोगों के काउंट हुए थे, उससे रेवेन्यू ये जो ECPM दिख रहा है आपको, that is cost per month, average number of cost per month, और यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कल्सर छोड़ा हुआ पे $1.30 per 1,000 impressions आया था। अभी समझो अगर 10,00,000 लोग हैं अपने बिगलिक के, वो अगर आते हैं, उनके impressions अगर यहाँ पे multiply होते हैं 1,000 impressions के लिए, यहाँ पे अपने को जो ECPM मिल रहा है या फिर daily active users के लिए अपने को जो भी मिल रहा है अभी $1.30 हाईएस्ट गया था। अब ये एड नेटवर्क कैसे काम होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। जब हमने लूडो जंप में वापस लूडो जंप पे आ रहा 9 महीने तक हमारे पास यूजर बेस नहीं था, लेकिन 6 महीने में मतलब 8 से 9 महीने हम सब टेस्ट कर रहे थे, बहुत सारा काम किया उसके ऊपर, 6 महीने में 1 मिलियन प्लस डाउनलोड तो पहुंच गए, 6-7 महीने कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे यूजर एंगेजमेंट बढ़ता है वैसे वैसे डेली एक्टिव यूजर्स बढ़ते हैं, वहाँ पे इंप्रेशंस काउंट बढ़ते हैं। अभी हमारे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से डाउनलोड्स है, ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग एज ग्रुप, मेल फीमेल जेंडर, अलग लोकेलिटी से जब डेली एक्टिव यूजर्स आएंगे तब वो क्वालिटी यूजर बेस होता है, वो क्वालिटी यूजर बेस से क्वालिटी एड्स आना चालू होता है, क्वालिटी एड्स आना चालू हो जाता है तब वहाँ पे रेट्स अच्छा मिलता है। एक रेट का वो सर ने प्रोजेक्शन आप सबको दिया है कि एक आदमी कितना दे सकता है या फिर कहाँ से पैसे कमा सकते हैं, ये हम ऐड देखने के लिए पैसे नहीं दे रहे, आई रिपीट हम ऐड देखने के लिए पैसे नहीं दे रहे, लेकिन वहां से कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट कमा सकते है सिर्फ एक गेम के लिए, वहां पर पूरा गेम जोन आने वाला है तो वो सिर्फ डाउनलोड करना है। अगर आप दिन में एक बार भी एक भी गेम खेलते हो तभी काम खत्म है। अभी हम इंसिस्ट नहीं कर रहे आप गेम खेलो, ऐसा कुछ नहीं बता रहे, लेकिन आप दिन में एक बार भी आओगे, एक गेम भी खेलोगे, दो राउंड भी खेलोगे तब भी बात खत्म, क्योंकि हमारे ऑल ओवर इंडिया से 10,00,000 लोग आ रहे हैं, हमारा बाइंग कैपेसिटी बढ़ता है, हमारा एक्टिव यूजर्स का रेट बढ़ता है, नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग रीजन से आने के बाद वहां पे एड का फ्लो बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि हम यहाँ से एड ले रहे यूनिटी एड नेटवर्क। सर ने तो आपको बाकी का पूरा बता दिया था, लूडो चमका कैसा है वो तो प्रूफ दिखाया था सबको। तो अच्छा ये जब यूनिटी एड्स का है वो भी हमारे पास ज्यादा बिल्डिंग मिलता है, पे एक बंदा $5 का इनकम कंपनी को दे सकता है, वो $10 तक भी जा सकता है। July 11th जब ये ऑफिस चालू हुआ था पिछले एक साल से उसके ऊपर वो सर बाकी सारी पूरा टीम काम कर रहे, 11 जुलाई को लॉन्च हुआ था, बाकी को छोड़ दो वो चीजें क्योंकि इट्स अ रियल कैश गेम एप्लीकेशन, इसलिए हमने भी आपको नहीं बोला कि प्रमोट करो, ठीक है। 72,000 डाउनलोड्स है अभी उसके, 896,000 डिपॉजिट है आज तक, कंपनी अपना विड्रॉल ले चुकी है, ये सारी चीजें आपको लाइव दिखा रहे, हम डैशबोर्ड का पेटीएम दिखा सकते हैं, पेटीएम का डैशबोर्ड दिखा सकते हैं कितने डिपॉजिट होते हैं कितने विड्रॉल होते हैं, रेफरल के लिए हमने कम से कम 2 से 3 लाख रेफरल के लिए दिए, फ्री साइन अप बोनस वगैरह, ये प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं, ये पूरा वैभव सर के दिमाग में है, पूरा हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसा कि सर ने बताया हमको हमारा काम पता है, सिर्फ आपको सिर्फ प्रमोट करना है, आपको ये चीज बताना है और कभी भी गलत प्रोजेक्शन नहीं देना कि एड देखने के पैसे मिल रहे, कोई फायदा नहीं उस चीज का, गलत प्रमोशन मत करिए। आपको पैसे मिल रहे पिक ट्रिक में जाने के, आपको ऐड के पैसे नहीं आ रहे, ऐड से जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो कंपनी कर रही है, कंपनी आपको क्या बोलती है, इफ यू कम इन पिक फ्लिप एंड क्लिक यू कैन यू विल गेट 20 रुपीज। तो अपना काम सामने वाला बोलता है कि अच्छा ऐड देखने से मुझे पैसे मिले, नहीं आपका काम सिर्फ मोबाइल लेके पिक फ्लिक जाने का, एंड जस्ट वी नीड अ यूजर,
इट्स योर डिसीजन, ये एमएलएम ये सब जो चीजें बातें चलती है, मैं वहां पे आपको बोल दूं ये आपका डिसीजन है कि आप प्रमोटर बनना चाहते हैं कि नहीं। मैं अपने प्लान में कभी किसी को नहीं बोलता कि आप प्लीज 10 को लाइए, 20 को लाइए, 30 को लाइए, दस ना, आप एक यूजर बनिए। ये अगला डिसीजन आपका है कि यू वांट टू बिकम अ प्रमोटर और यूजर। तो गाइस बहुत सिंपल सा है, जैसे सर ने बताया हम उसको वीडियो कैप्चर में करेंगे कि एस्ट्रॉयड है जो हमारा गेम है आज, उसमें 163 डेली एवरेज यूजर है जो कि बहुत कम है। हम सभी लोगों को कहां काम कर रहे हैं हम लोगों को समझ आ रहा है, और सभी लोग जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनको बोलना चाह रहा हूं कि आप लोगों को यहां ये चीज बनानी है। हम लोग की एक्चुअली दिस इज आवर रिजल्ट, आज हम लोग रिजल्ट शो कर रहे हैं कि हम लोग को ये रेटिंग्स और ये जो डेली एक्टिव यूजर्स जो है इसको बहुत ज्यादा बढ़ाना है। सेकंड सर आगे बढ़ेंगे, टोटल रेवेन्यू सर वो $61.84 का हम लोग को आ रहे हैं, और सर इंप्रेशन, ये वाला इंप्रेशन नहीं पता, अपने को लोगों के माइंड में इंप्रेशन डालना है कि इंप्रेशन डालो। यहां से जो इंप्रेशन हो रहा है अगर सिर्फ कुछ लोग 72.5K अगर 72,500 का इंप्रेशन सिर्फ कुछ लोगों से हो सकता है तो हम 10 लाख में 1 लाख प्लस चल रहे 10 लाख लोग वो अगर इंप्रेशन डालें तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन आप खुद कर सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोर सामने आपके। अभी सर ने गेम जोन की बात की और मैंने आपको बताया कितना बड़ा मार्केट एरिया है हमारे पास, 33 करोड़। हर किसी को शायद एस्ट्रॉयड टेक पसंद ना है, लेकिन हमारे पास अभी गेम जोन का कितना बड़ा एरिया है जो हमारे सामने आ सकता है। और यहाँ पे आपके सामने स्पेस शूटर है जिसका अभी टेस्टिंग फेज चल रहा है। ओके, सिर्फ टेस्टिंग फेज में अपने को 0.58 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो गया है, और सर अभी इसका प्रमोशन बहुत जोरदार तरीके से होना चाहिए, बहुत, कि अब हम लोग किस तरीके से इसको सामने शो करना है। और इवन मैं अभी जैसे ही मैं देख रहा था तो मैंने सोच रहा था कि मेरे को प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, मुझे अपने प्रेजेंटेशंस में, मुझे अपनी जूम मीटिंग में, मुझे सब जगह पे, लोग कोविड में बैठे बैठे अपने मोबाइल के हैबिचुअल हो गए, उनको एक गेम मुझे जरूर ऐड करवाना है, मैं अपनी प्रेजेंटेशन में अब गेम डालूंगा, मुझे समझ आ रहा है कि मुझे क्या करने की जरूरत है। तो आई थिंक आप लोगों के भी टॉप में आप लोग जो लोगों से कन्वर्सेशन करते हैं उस जगह पे आप लोगों को किस चीज को प्रमोट करना है आपको समझ आ रहा है। आज कंपनी ने लूडो चैंप के बारे में बताया सर, उसका एक सर 10 लाख प्लस डाउनलोड, गिव देम बिग हैंड्स गाइस, दिस इज आवर गेम, ये हमारा गेम। और हम लोग कोई नामुमकिन वाली बात नहीं करने जा रहे ना, ऑलरेडी वी हैड डन, मतलब कि सर अब सोचने वाली बात है, अगर हम नहीं थे तो इतना हो गया, तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। कौन कौन रेडी है दिखाने के लिए कि इससे ज्यादा हो गया होगा? यस सर, ज्यादा करेंगे, ज्यादा करेंगे, ज्यादा करके दिखाएंगे गाइस, कि आप भी गेट कम यू सर। और सर ने अभी हमारे सामने अभी आगे बहुत सारे एप्लीकेशंस आने वाले हैं जो सर के थ्रू ही आपके सामने है, तो बेस्ट होगा हम लोग अपने काम 1.30 हाईएस्ट रहा है सर हमारा। गाइस आई रिक्वेस्ट यू, नाउ इट्स आवर ड्यूटी, एंड इसको हम अभी कॉन्सेप्ट की तरह नहीं, और कॉन्सेप्ट तो है ही, बट नाउ यू हैव टू बी इन मिशन, कि आपको एक मिशन की तरह सामने जाना है, और नेक्स्ट टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पॉइंट से पहले कितने जीरो लगते हैं, पॉइंट के बाद जो है वो तो नेक्स्ट है, पॉइंट से पहले कितने जीरो लगते हैं। नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट कि आप लोग प्लीज अब यहां पर आए, वी ऑल शुड प्राउड मिस्टर पटास्कर, मिस्टर सुमित शर्मा एंड ऑल टीम, इवन एवन ऑस्मोस फैमिली प्राउड ऑफ अस। और सर मैं आप लोगों को देता हूं, हम इसको कितना ऊपर लेके जाना चाहते हैं सर, ये टॉप बन सकती है, हम लोग इसको बनाएंगे, हम लोग आगे दिखाएंगे, बिल्कुल सर। अगर आप लोग साथ में हैं और हम लोग जो सर ने अनफेयर ट्रेड है उसको अगर हम समझे, लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि एक एजुकेट पीपल काफी लोगों को मोटिवेट कर सकता है, एक मोटिवेट पीपल सिर्फ मोटिवेशन जब तक उसमें तब तक बताएगा, एक एजुकेट पीपल काफी लोगों को मोटिवेट करता है। तो आप प्लीज जूम मीटिंग के थ्रू लोगों को मोटिवेट करने के बजाय एजुकेशन दें, लोग अपने आप इसका इसका जो इनकम प्लान है आपके सामने जो चीजें आ रही हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आई थिंक देयर इज नो नीड कि हमको किसको मोटिवेट करने की जरूरत है, वो अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सो यू व्हाट यू हैव टू डू
आपको लोगों को एजुकेट करना है. क्या करना है? एजुकेट करना. थैंक यू. नाउ आपके सामने माय स्किल 11 नया गेम लॉन्च हुआ. एक बार अगेन उस पर जोरदार तालियां गाइस. अब सबके सामने आ जाएगा कि हम लोग को इसमें क्या करना है. माय स्किल 11 लेकिन बहुत ट्रिकी है. धीरे धीरे आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा जब आप खेलेंगे तो, कि अपने अर्थ को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं एस्ट्रॉइड से. तो आपको 50,000 जिसको हम नहीं समझ पाए और किसी तरीके से मान लो ऊपर नीचे हुआ और अगर हम 300 पॉइंट्स भी करते हैं, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, 300 पॉइंट्स भी करते हैं तो उनके लिए ऑफर है 20,000 का ऑफर है 300 पॉइंट्स को. एंड लास्ट, अगर उससे पहले 2-3 बड़े बड़े एस्ट्रॉइड आ गए, आपको किसी ने मम्मी ने कॉल कर लिया, कोई फ्रेंड आ गया फोन में, कॉलिंग आ गई, कुछ हो गया, तो आपको अगर मान लीजिए आप उस अर्थ को सेव नहीं कर पाए तो भी अगर आप 200 पॉइंट्स बनाते हैं, विच इज वेरी इजी, उसके लिए 10,000 ऑफर गाइस. गिव देम अ बिग हैंड फॉर दिस ऑफर. नाउ इट्स अ मैटर ऑफ 50,000, 20,000 एंड 10,000. नाउ आपके सामने 80,000 का प्राइस पड़ा हुआ है. And the fittest will survive. जो इस चीज को proper grab कर सकता है अपनी टीम में बिल्कुल ले जाएं. बातें लोग रात रात भर बहुत सारे गेम्स खेलते थे, भागो भागो चिल्लाते थे और कोई नहीं होता था, ठीक है. ये सारी चीजें हम लोग के बीच में है. आज हम लोग के पास बहुत अच्छा चांस है, आप इस गेम को प्रमोट करें एंड इंप्रेशन सच में बढ़ेंगे और हम पब्लिक को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं. तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई जो मैं अपनी टीम को शेयर करना चाहता हूँ. Especially dedicated to Mr. Pradeep, Mr. Jagtap, Mr. Sharma, Mr. Pataskar. एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो स्कूल में आया, स्कूल से वापस आता है और मम्मी को बोलता है, मम्मी आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. क्यों? मैंने अपने फ्रेंड को अपनी कॉपी दी थी और उसने वही सेम ऐसे कॉपी किया और मुझसे पहले दिखा दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने सारी मेहनत की और उसने ले गया. कोई बात नहीं बेटा, चलता है, लाइफ में होता है, ठीक है. फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ और उसने बहुत अच्छी डिजाइनिंग सीखी, आर्किटेक्चरर बना, तो उसने एक कंपनी में डिजाइन बनाया, उसका सुपीरियर ने अपना बोल के दिखा दिया, फिर वो गुस्सा होकर वापस आया मम्मी के पास, मम्मी देखो ना, ये देखो आज मैंने एक डिजाइन बनाया, फिर मेरे सुपरवाइजर ने आगे दिखा दिया, सारा क्रेडिट को ले जाने का. तो उस समय वो बड़ा हो चुका था, वो समझ सकता था. तो उसकी मम्मी ने उसको एक और स्टोरी सुनाई कि बेटा ऐसा ही होता है लाइफ में, बट एक चीज बताऊंगी मैं, जो कि मैं चारों लोगों के लिए, पूरी टीम के लिए, मेरे को सबके नाम नहीं पता, मैं उनके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ. बट यू नो हनी बी, मधुमक्खी, हम लोग कितना बोलते हैं कि हम लोग वो धोखेबाज है, वो गलत है, उसने मेरा ऐसा कर लिया. तो बोलते हैं हम लोग, सब लोग शहद लेते हैं ना, बेचारी वो आती है, इतनी मेहनत करती है, शहद बनाती है और हम लोग उसको निकाल लेते हैं. तो किसी ने मधुमक्खी से भी पूछा एक दिन कि आपको बुरा नहीं लगता? तो वो भी बहुत सैड होकर बोली, हाँ बुरा लगता है, लेकिन वो मेरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसको प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं. जो आ सकते हैं इस चीज को कर सकते हैं, वो हमारे सब कुछ ले सकते हैं, हमारे पैसे, हमारी गाड़ी को डाला वगैरह, मेरा सब कुछ ले सकते हो. बट द वे यू थिंक, बट द वे ही थिंक, एक्चुअली देयर आर सो मेनी क्रिटिसाइजर्स, बहुत सारे लोग ऐसे जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं. तो आज से हम सभी को ईमानदारी से अपने और अपने ग्रुप में क्या चीज प्रमोट करनी है कि आप इस एप्लीकेशन को प्रमोट करें और यूज भी करें. कभी कभार प्रमोट करने वालों को खुद यूज करना भूल जाते हैं, तो आपको प्रमोट भी करना है और आगे लोगों को यूज भी करवाना है. सेकंड, आप लोग की सभी क्वेरीज के लिए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि ये नहीं होता, ये कैसे होता है, आई डोंट नो, और आप लोग की जिनकी टीम 10,000, 20,000, 25,000 हो रही है, वो कैसे सबको टैकल करेंगे, तो आपके लिए ओएमप्लेक्स आ रहा है. डिड यू नो? यस सर. एक बार उसके जोरदार तालियां हो सकती हैं. एप्लीकेशन इज अ सॉल्यूशन. कंपनी आपके बारे में सोच रही है कि आप इतने सारे लोगों को टैकल कैसे करेंगे, तो उसमें सारी वीडियोस हैं.
अभी के समय में कोई बोलता है ना कि बीच में हमारे पास में ई वाउचर था, कैसे करना है, मैं एक वीडियो आपको सेंड करता हूँ, देख लीजिए लोगों ने किया अभी। ओके तो वैसे ही ओएमप्लेक्स में सारी सारी हमारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपकी क्वेरी से रिलेटेड हैं, जिसको आप सेंड कर सकते हैं, लोग बार बार उसको देख सकते हैं और अपने बिजनेस को उस एप्लीकेशन से बहुत यूजर इंटरफेस मतलब कि बहुत इजीली उसको चला सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं इसको चलाऊं कैसे, तो वहां से प्रॉपर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप सभी को ओएमप्लेक्स डाउनलोड करना है, डाउनलोड करवाना है और लोगों को खुद एजुकेट करना है कि वहां जाके देखिए, अगर उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आता है देन कम टू मी, आप आएंगे और इसकी वजह से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। ये मैंडेटरी हो चुका है सर कि सब चीजों को प्रमोट करना है, सेकंड खुद यूज करना है और अपने ग्रुप में यूज करवाना है और सभी के पास वो होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, आप इतने सारे एप्लीकेशंस रख रहे थे उससे कुछ नहीं आ रहा, आज जिससे आ रहा है कम से कम उसको रखिए। तो यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो हम बाद में उसके ऊपर जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंस्टॉल एटलीस्ट कि आपको फोन आया और फिर आप बोल रहे कि नहीं मैं अभी प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करता हूं। नो, आपके पास होना चाहिए। इवन सर मैंने अपने ग्रुप में एक छोटा सा बनाया है, जो भी पर्सन ज्वाइन होता है उसको हम कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन उसको पिक फ्लिक का जैसे ही ओपन करता है उसका उसको अपना जो नेम रजिस्ट्रेशन सब कुछ है उसका एक फोटो भेजनी पड़ती है, तो वी विल एश्योर कि हां उसने पिक फ्लिक डाउनलोड कर लिया है। तो हम लोग ग्रुप में ये रखते हैं कि हां सब लोग पिक्चर हम सामने आए। Now, बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह में बहुत बड़ा तमाचा मेरी तरफ से, मेरी पर्सनल बात हुई थी और मेरी पर्सनल उससे खुन्नस है। हम लोग जिस सेक्टर पे हैं वहां पे अपडेशन इज मोस्ट रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम लोग किसी गले मोहल्ले के आजू बाजू के ऐप से नहीं कर रहे हैं, वी डील विद ब्रांडेड एप्लीकेशन के साथ हम कम्पीट कर रहे हैं। आपको हर रोज ऐप अपडेशन में जाना पड़ेगा, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं कुछ बोल सकता हूँ, ऊपर नीचे मेरी बातें हो सकती है, बट आप वीडियो देखो, आप कंपनी के डैशबोर्ड में जाओ, वहां पे साइड में न्यूज है, लोग पैसे देखते हैं और वापस आ जाते हैं, साइड की न्यूज पढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना। वो इतने पास अगले दिन आ क्यों नहीं रहा पता ही नहीं है, अपडेशन चल रहा है किसी को नहीं पता। तो आप वो न्यूज भी पढ़िए, उसके चैनल में आप जाइए, वहां पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आज की डेट में क्या चल रहा है, क्या नई चीज आने वाली है। जो भी आपके क्वेश्चन है वहां कमेंट्स कीजिए, उसको चैनल को प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है जहां पे आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आपको सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताना है, मेरी ग्रुप में एक एक प्रमोटर है, उनके ग्रुप में सिर्फ तीन चीजें जानते हैं, सर लॉगिन, डैशबोर्ड और पे आउट, उसके बाद बाकी का हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग उनको सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताना है कि देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम इन अवर कंपनी एंड इन अवर वेबसाइट, वहां पे डैशबोर्ड में एक सपोर्ट सिस्टम है जहां से आप डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी सभी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन शॉर्ट आउट किया जाता है, और उसके बाद भी कुछ इश्यूज हैं तब आपके प्रमोटर्स के पास आए। तो आज आप लोगों के सामने बहुत सारे वर्क है, हम लोग एक बार रिकॉल कर लें, गाइस आर यू रेडी? फर्स्ट, अगली बार वो जो तमाचा था हमारे में, ठीक है ना, उसको चेंज करना है, 163 थे है ना सर, अगली बार वो कितने होने चाहिए आप और मैं डिसाइड करेंगे, अगली बार हम शो करेंगे। सर अब आओ, अब एक बार देखते हैं कि एक महीने में हमारा क्या वर्क हुआ है, हम अपने आप को तो चेक करें। दूसरा, वी हैव टू मेक इंप्रेशंस, हम लोगों को इंप्रेशन क्रिएट करना है, क्योंकि नाउ आज तक, आज अभी तक की बात है जो मुझे समझ आया, आज तक कंपनी ने मेरा साथ दिया, मुझे हेल्प की, मुझे हर तरीके से कैपेबल बनाया, और आज मुझे मैं कुछ भी नहीं हूं बहुत सारे लोगों के सामने, फिर भी मुझे आज सामने लाया, नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कंपनी को मेरी जरूरत है और हम सभी की जरूरत है। अब हमारी ड्यूटी है कि हम इंप्रेशंस बढ़वाएं, और ये हमें करना भी चाहिए बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। थर्ड थिंग, कुछ ऑफर्स निकले थे 500 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स वाले, वो ऑफर प्लीज आगे प्रमोट करना है, बिकॉज वी आर वेरी गुड। ओके, फोर्थ पॉइंट, माई स्किल 11, यस सर, माई स्किल 11, ओके। तो वो गेम आ रहा है, उसको बहुत ही, बल्कि इवन मैं दिवाली ऑफर बोल दूंगा उसको, देयर इज अ दिवाली ऑफर फॉर यू, माय स्किल 11 को प्लीज आप लोग डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। हम लोगों को सामने में प्रमोटर्स है ना, हम लोगों को किसी भी चीज को अच्छे तरीके से प्रमोट करना है, एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेशन, जितने अच्छे से हम कर सकें, जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनको सामने रखते हुए हमको रिप्रेजेंट करना है, लोगों को देना है। फिफ्थ थिंग इज दैट कि देयर इज अ मैंडेटरी, ओके, टू थ्री थिंग्स आर मैंडेटरी। फर्स्ट, अनफेयर ट्रेड, जो हमें आनंद सर ने बताया, ठीक है। सेकंड थिंग कि हमको सभी को प्रमोट करना है
गेम्स को एंड एप्लीकेशंस को जो भी हमारे पास है, ठीक है। थर्ड थिंग, हम लोग को जो प्लेक्स हमारा एक है सर, ऑसम प्लेक्स जो है वो प्रॉपर हम लोग को डाउनलोड करना है, उसमें सारी वीडियो सारे सॉल्यूशंस हैं। फोर्थ डाउन में, सबसे डाउन में क्या है हमारे पास, वी हैव अ लिंक, यूट्यूब चैनल है ऑथराइज, वहां पे जाइए। लोगों को शौक है यूट्यूब में देखने का, यूट्यूब में तो आपका कुछ है नहीं, तो एक्चुअली उनको पता नहीं है, देयर इज एवरीथिंग इन यूट्यूब। आज जो भी कुछ हो रहा है, कंपनी जो भी चीज अनाउंस कर रही है, वो आपके सामने आ रहा है, तो आप उस चैनल में जाके प्लीज जाएं और देख सकते हैं, ठीक है ना। एंड देयर इज अ वेरी वेरी मैंडेटरी, आप सभी की हेल्प के लिए कंपनी ने बहुत ज्यादा जरूरी समझा है, और ऑसम प्लेक्स आपके सामने आया है कि जिसमें सारी चीजों का सॉल्यूशन है, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू लॉग इन, हाउ टू विद बैंक विदड्रॉल एंड एनीथिंग, आगे भी जो हमको फ्यूचर में कुछ चीजें आने वाली हैं वो सारी चीजें वहां अवेलेबल हैं। सो आई थिंक देर इज मोर इनफ इन्फॉर्मेशन, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हम लोग नेक्स्ट टाइम मिले तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो, और वी शुड प्राउड ऑन अस, एंड वी विल, एंड वी हैव ऑल्सो। ओके गाइज, तो गिव देम अ बिग हैंड्स फॉर एवरीवन, आप सभी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच जो आपने इसको सुना, और मैं चाहता हूं कि आगे इसको और अच्छे से बढ़ाएं ताकि लोग एजुकेट हो सके। नाउ नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल होस्ट मिस्टर प्रदीप सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राहुल जी, शुरू लगा जो भी उन्होंने बातें इनके लिए क्लैप बनती है। और जैसे कि मैंने कहा था कि आज पहले सुनना है, तो आपने बहुत अच्छे से सुन के लिया, और जो भी सुना है तो नीचे सुनवाना है, बताना नीचे जाके। ओके, अभी यहाँ पे देखें, नेक्स्ट टाइम की बात नहीं, कल की बात करेंगे। ये कल का फिगर चेंज होता है और नजर आना चाहिए, क्या होता है ना, एक बार कोई एक बार पोस्ट किसी के मोबाइल में आता है, हजार मोबाइल में जाती जाती नहीं जाती, वहां 163 कितना है। अभी यार कल देखेंगे कितना होता है, अब यहाँ पे जितने बैठे हुए है इनके कितने समझ में आया, कितने लोगों तक पहुंच रहा है, कल फिगर पता चल जाएगा, और कल हमको हमारा सीरियसनेस पता चल जाएगा। सर ने एक सिंपल वर्ड में कहा है, मैंने बना के आपके हाथ में दे दिया है, इसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी बनती है दोस्तों। कल कोई उंगली नहीं उठाएगा कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने ये नहीं किया, आज तक किसी का प्लेआउट ना डिले हुआ, ना किसी को मिला, ऐसा कभी हुआ नहीं है, सब चीजें बराबर से हो रही है। यस सर, यस। अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी तरफ से भी चीजें बराबर से होगी, तो कभी हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, ये आज का ये इसे हमेशा बोलेंगे कि ये डायरेक्ट अपने एक मैसेज था, और जो कंपनी ने दे दिया है, ओके, तो मैसेज को हम एज इट इज डिलीवर करेंगे, एज इट इज डिलीवर करके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके टीम में पहुंचाते जाएंगे, और जिन्होंने भी अभी तक सिस्टम नहीं लिया है, सिस्टम में मोल्डे हुए, वो खुद का सिस्टम बनाए। अभी आपकी फिगर देखना छोड़ दे, नीचे के लोगों की फिगर बढ़ाएंगे, तो आपकी फिगर अपने आप बढ़ने वाली है ही है। ओके, सो आप सब यहाँ पे आए इस सिस्टम को समझ के लिए, तो मैं किसी से धन्यवाद नहीं दूंगा, क्योंकि ये अपना फैमिली प्रोग्राम है। ओके, सो हम सब लोग मिलके इस कंपनी को और आगे बढ़ाने के बारे में सोचते रहेंगे, अच्छी कोशिश करते रहेंगे। कोई भी नेगेटिव थॉट्स आज के आगे कोई फॉरवर्ड नहीं करेगा, कोई एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा कब तक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।